गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा 4 सेम CSE। ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट यूनिट 2 का एक टॉपिक है जिसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग होता क्या है। सिंपली वर्ड में ये OLE इज अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन डेटा एंड ऑब्जेक्ट रिटन इन डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मीन्स OLE मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग करता क्या है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके के थ्रू हम एप्लीकेशन डेटा या फिर ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट राइटिंग्स या डिफरेंट फॉर्मेट्स पे लिखा होता है उसको हम शेयरिंग कर सकते हैं बहुत सारे सोर्सेस से। लिंकिंग एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड एम्बेडिंग फैसिलिटेट्स एप्लीकेशन डेटा इंसर्शन। मीन्स लिंकिंग जो है, लिंकिंग वो सिंपली दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है एंड एम्बेडिंग जो है वो फैसिलेट करता है एप्लीकेशन में डेटा इंसर्शन का। मीन्स कोई एप्लीकेशन है तो हम उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। OLE इज यूज फॉर कंपाउंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एज वेल एज एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर वाया ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिप बोर्ड ऑपरेशन। मीन्स OLE जो है वो एक डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए एज वेल एज एक डॉक्यूमेंट को हम OLE के थ्रू मैनेज कर सकते हैं एंड और क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास डेटा है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं किसके थ्रू, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू या फिर क्लिप बोर्ड ऑपरेशन। मीन्स जैसे हम कुछ चीजें कॉपी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या किसी पे भी, जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो एक क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। सेव होने के बाद क्या होता है कि हम उसको किसी दूसरे फाइल में भी कॉपी कर लेते हैं, तो जो OLE जो है ये हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक बार हम और पढ़ लेते हैं कि OLE में क्या है। दो चीज है, एक क्या है हमारे पास लिंकिंग की फैसिलिटी है और एक हमारे पास एम्बेडिंग की फैसिलिटी है। तो लिंकिंग क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और जो एम्बेडिंग है वो डेटा इंसर्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन OLE ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्ले एन आइकॉन। मीन्स OLE का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एक आइकॉन के फॉर्म पे डिस्प्ले होता है। डबल क्लिकिंग द आइकॉन ओपन्स द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन। मीन्स क्या होता है कि एक आइकॉन रहता है जिसमें OLE का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होता है, वो आइकॉन को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो आइकॉन ओपन हो जाता है और जो भी उसमें एसोसिएट मीन्स उसमें जो भी ऑब्जेक्ट के एप्लीकेशंस रहते हैं वो उस चीज को यूजर को आस्क करता है कि हमको कौन सा एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एडिटिंग के लिए हमको जो भी चीज सिलेक्ट करना है ये इसके थ्रू हम कर सकते हैं। देन अल्टरनेटिवली एन OLE ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले एज एक्चुअल कंटेंट सच एज ग्राफ और चार्ट। मीन्स OLE ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल कंटेंट्स भी डिस्प्ले करता है जैसे कि ग्राफ हो गए या चार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन चार्ट सच एज एन एक्सेल स्प्रेडशीट मे बी इंसर्टेड इन टू अ वर्ड एप्लीकेशन। वेन द चार्ट इज एक्टिवेटेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट द चार्ट यूजर इंटरफेस लोड्स एंड द यूजर इज एबल टू मैनिपुलेट द एक्सटर्नल चार्ट डेटा इन साइड द वर्ड डॉक्यूमेंट। मीन्स यदि मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन का चार्ट है स्प्रेडशीट में एक्सेल में, तो उसमें यदि हमको वर्ड का एप्लीकेशन इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, चार्ट को कहाँ एक्टिवेट करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें यूजर के इंटरफेस रहेंगे उस चार्ट्स में उस चीज को हम लोड करेंगे और उसको एक्सटर्नल चार्ट डेटा के इनसाइड में वर्ड डॉक्यूमेंट में हम उसे यूजर उसको एबल रहेगा कि वो उसे यूज कर पाए। तो इसमें हमने क्या जाना कि जो ऑब्जेक्ट OLE का जो ऑब्जेक्ट है वो आइकॉन में डिस्प्ले होता है और जब हम आइकॉन को डबल क्लिक करते हैं तो
वो हमको एप्लीकेशन, यूजर को एप्लीकेशन आस्क करता है कि उसको ऑब्जेक्ट एडिटिंग के लिए कौन से एप्लीकेशन की जरूरत है, और ये ग्राफ चार्ट्स ही सारी चीजों को भी एक जगह से दूसरे जगह में एडिटिंग या इंसर्शन, डेटा इंसर्शन करने के भी काम आता है. देन ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इज अ प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑफिस प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, चार्ट, फाइल और अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन ऑफिस प्रोग्राम कैन बी इंसर्टेड इन टू अ फाइल क्रिएटेड विद अ डिफरेंट ऑफिस प्रोग्राम. मीन्स क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो प्रोग्राम है वो एक ऑब्जेक्ट शेयरिंग या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता है ऑफिस प्रोग्राम्स के बीच में, ऑफिस प्रोग्राम्स के बीच में या तो वो ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है या चार्ट है या फिर कोई भी फाइल है या किसी भी फॉर्म पे एक इन्फॉर्मेशन है जिसके कि जिसको कि हमने एक सोर्स फाइल में क्रिएट किया है और हम उसको किसी डिफरेंट प्रोग्राम में इंसर्ट कर रहे हैं. मान लीजिए एक सोर्स फाइल है, एक डेस्टिनेशन फाइल है, हम सोर्स फाइल की चीजों सोर्स फाइल की में जो भी हमारी चीजें हैं हमने उसे उठा के डेस्टिनेशन फाइल में लोड कर दिया. तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हमको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि हम एक साथ तीन चार फाइल्स को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के थ्रू ही पॉसिबल है. देन ओएलई सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंक्लूड्स, मीन्स ओएलई जो है हमारे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन सच एज एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट. मीन्स जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस है, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें में ओएलई के जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करते हैं. फिर हो गया कॉलर, वर्ड परफेक्ट, एडव, एक्रोबैट, ऑटोकैड. ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा ओएलई सपोर्ट करते हैं, हम उसमें 3D या रियल वर्ल्ड की एक जैसे बिल्डिंग की पेंटिंग किए या कुछ आर्किटेक्चर का पेंटिंग किए तो वो 3D में भी पेंटिंग होता है. तो ये सारी चीज़ें जो ऑटोकैड में भी होती है उसमें भी ओएलई जो है हमको सपोर्ट करता है. देन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस लाइक फोटो, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. मीन्स हमारी जो ऑडियो वीडियो की क्लिप्स होती है, फोटोज रहते हैं हमारे जो सिंपली से, ये सारी चीज़ों में भी ओएलई सपोर्ट करता है. हम फोटोज में कितनी एडिटिंग करते हैं, वीडियोस को हम ट्रिम कर करके आगे पीछे से मर्ज करके बहुत सारी उसमें एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें में ओएलई के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमको सपोर्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें ओएलई के हेल्प से होती है. जैसे कि हमको डेटा इंसर्शन करना है या कुछ टेबल चार्ट डालना है या जैसे एक वीडियो क्लिप है उसमें हमको सिंपली कुछ आवाज़ डालनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ओएलई हमको पॉसिबल करता है कि हम इसके थ्रू ये सारी चीजें कर पाए. अब हम देखते हैं कि ओएलई के सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी है. मीन जैसे ओएलई इतनी चीजें हमको करके दे रहा है तो इसके कुछ एक दो डिसएडवांटेज भी है. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यदि हम देखें, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इंक्रीज दी होस्ट डॉक्यूमेंट फाइल साइज. मीन्स जैसे कि हम एक वीडियो को बहुत एडिटिंग कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं दो तीन वीडियो को साथ में, तो क्या होगा उसकी जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसकी साइज बढ़ जाएगी. जैसे मान लीजिए वो 5 MB की थी, हमने उसमें एडिटिंग किया, वो हो गई 20 MB की. या कोई 50 MB की फाइल है, हमने उसमें एडिटिंग करके उसे हमने 2 GB 500 MB करीब का बना दिया. तो हमको उस चीज को, ये तो मैंने एक स्मॉल साइज में बताया, पर यदि एक लार्ज साइज की बात करें, एक बहुत लार्ज साइज की बात करें, तो उसमें क्या होता है, हमको उसको स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होता है. और जैसे हमको उसको कहीं किसी को ट्रांसफर करना है या कहीं पे लोड करना है तो हमको उस चीज में भी डिफिकल्टीज आती है. तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है. देन सेकेंड वन इज लिंकिंग ऑब्जेक्ट कैन ब्रेक when a host document is moved to a location that does not have the original object application. means जैसे मान लीजिए हमने कुछ editing करके linking object सारी चीजें कर दिया और उसको हमने किसी दूसरे को भेज दिया और उसके पास उस object को चलाने का application नहीं है,
तो क्या वो ऑब्जेक्ट उसके काम की आ पाएगी? मीन्स हमारे पास यदि एक सिंपल सा कोई वीडियो था, हम उसे भेज देते तो वो वीडियो प्ले कर लेता, पर हम उसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से उसको एडिट कर दिया। उसके बाद यदि उसके पास ओरिजिनल उस ऑब्जेक्ट को चलाने का एप्लीकेशन नहीं है तो वो उसके किसी काम का नहीं आएगा। इफ़ दी एम्बेडेड और लिंकिंग ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन इज अनअवेलेबल, मीन्स यदि हमारे पास एम्बेडेड या लिंकिंग ऑब्जेक्ट का एप्लीकेशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स ओएलई के हमारे पास जो ओएलई के जो हमारे पास फैसिलिटी है वो भी लिमिटेड है। ये वो हर चीज़ में हमको प्रोवाइड नहीं करता। यदि हमारे पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि ओएलई हमको ओएलई के एप्लीकेशंस नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये दो तीन ओएलई के डिसएडवांटेजेस थे। अब हम आगे देखते हैं कि हम एक्सेल शीट में एम्बेडिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो जो पेस्ट का ऑप्शन रहता है उसमें पेस्ट में, जैसे हमने मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है, देन जब हम पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास पेस्ट के ऑप्शन आते हैं और हमको उसे कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी पेस्ट करना हो हम उस चीज़ को वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देन एम्बेडिंग एंड एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में हमारे हमको यदि एम्बेडेड करना है, मान लीजिए कंपनीज के किसी के नेम्स हैं उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, या जो टेबल है हमारे पास कोई टेबल बना हुआ है या आप देख सकते हैं कोई ग्राफ चार्ट बना हुआ है, इनको हमको स्टाइल से, यदि टेबल है उसको हमको सेंटर में रखना है, टेबल में स्टाइल अप्लाई करना है, टेबल की जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हैं हमें उसे लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन करना है, या जो चार्ट है हमें उसे कुछ प्रॉपर स्टाइल देके, फैसिलिटी देके हमें उसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम एम्बेडिंग के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एम्बेडिंग अ पावर पॉइंट फाइल, मीन्स यदि हमको पावर पॉइंट फाइल में एम्बेडिंग करना है तो हम क्या करते हैं, एक फाइल लेते हैं, रियल सिंपली एक फाइल टाइप में हम फाइल क्रिएट करते हैं और जिस फाइल को हमको कहीं, जिस फाइल को हमको उस फाइल पे एम्बेडेड करना है, मीन्स एक फाइल के अंदर हमको दूसरी फाइल डालनी, तो हमको दूसरे फाइल का लोकेशन नीचे में जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है फाइल टू बी एम्बेडेड, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है फाइल टू बी एम्बेडेड योर पाथ में डिफर, मीन्स यहाँ पे आप अपने फाइल को फाइल का पार्ट दे सकते हैं जिसको कि आपको इस क्रिएट फाइल में, क्रिएट फाइल फ्रॉम टैब, मीन्स आप एक न्यू फाइल बना रहे हैं उसमें आप किसी और फाइल का किसी और फाइल को एम्बेडेड कर रहे हैं, तो ये चीजें इसके थ्रू ऐसे परफॉर्म होती है। देन लिंकिंग टू एन एक्सेल फाइल, सेम जैसे कि हमने वर्ड एक्सेस में किया, हमने पावर पॉइंट में किया, वैसे ही यदि हमको लिंकिंग करना है तो हम क्या करेंगे, दो फाइल यहाँ पे आप देख रहेंगे बोथ चेक बॉक्सेस सिलेक्टेड, मीन्स हमको जो भी फाइल को लेना है हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम सिंपली उसको लिंक कर लेंगे, दो फाइल को हम वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। लिंकिंग टू एन एक्सेल फाइल मीन्स हमको जब दो फाइल को आपस में लिंक करना है तो ये उनके लिए ये सारी चीजें यूज होती है, लिंकिंग करना हम उस लिए ही करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड फाइल, वर्ड फाइल में भी सेम प्रोसेस है, हमारे पास हमको जो भी फाइल लिंक करनी है हम उसका लोकेशन देके उस फाइल को लेते हैं, उसके बाद जिस भी फाइल से लिंक करनी है हम सिंपली उसको लिंक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्रोस क्या होते हैं। अभी तक के हमने देखा लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, हम कैसे उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लिंकिंग कर सकते हैं, दो फाइल को एम्बेडिड कर सकते हैं, दो फाइल को जोड़ सकते हैं, या फिर किसी और फाइल की चीज़ों को हम किसी और फाइल में डाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्रोस, मैक्रोस क्या होता है। अ सेट ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन डेट यू ग्रुप एज अ सिंगल कमांड टू अकम्प्लिश अ टास्क ऑटोमेटिकली, मीन्स एक सेट ऑफ कमांड या इंस्ट्रक्शन रहता है हमारे पास जिसको कि हम एक सिंगल कमांड में अकम्प्लिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली कम्प्लीट हो जाता है, अपने आप काम कर लेता है। वेन यूजिंग अ वर्ड ऑल मैक्रोज आर क्रिएटेड इन अ प्रोग्राम लैंग्वेज कॉल्ड VBA, मीन्स जब हम वर्ड पे काम करते हैं तो हमारी जो सारी डॉक्यूमेंट रहती है हम उसे VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के थ्रू हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। देन यदि हम बात करें
रिकॉर्डिंग अ कीबोर्ड एक्टिवेटेड मैक्रोस मीन्स हमको मैक्रोस कैसे एक्टिवेट करना है, तो हम फूटर में मैक्रो का नाम लिख देते हैं, जो भी मैक्रो हमको हमको डिफाइन करना है। उसके बाद हम मैक्रो का माइक्रो का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। स्टोर इन मैक्रो इन बॉक्स मीन्स हमको उसके बारे में जो भी चीज़ लिखनी रहती है हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं। देन अब हम देखते हैं कि सिंपली हमने अभी क्या क्या पढ़ा। हमने एक हम एक प्रोग्राम के थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑफिस एप्लीकेशंस को यूज़ करके हम एक नया चीज़ बना लेते हैं। बहुत सारे सेवरल वेज हैं ऑब्जेक्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। मैक्रो हमको क्या हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंटली काम करने के लिए हमको हेल्प करता है। यूज़र कैन क्रिएट और यूज़ बिल्ट इन मैक्रोज मीन्स हम मैक्रो क्रिएट भी कर सकते हैं और बिल्ट इन मैक्रोज भी बना सकते हैं। विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस का जो लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके के थ्रू हम मैक्रोज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी थी, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट एंड मैक्रोज, ये सारी चीज़ें होती क्या है और कैसे काम करती है। थैंक यू।